Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. गोविंदा इन दिनों फिल्म रंगीला राजा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में गोविंदा भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के किरदार में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा एक और खबर आ रही है जिसमें खुलासा हुआ है कि इस फिल्म में गोविंदा डबल रोल में नजर आएंगे और हो सकता है कि उनका दूसरा किरदार बाबा रामदेव के रूप में नजर आए। हालांकि इस बात पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन चर्चा काफी जोरों पर है। गोविंदा इस फिल्म से अच्छी वापसी कर सकते हैं और काफी समय से एक जबरदस्त हिट फिल्म की तलाश में रहे गोविंदा की तलाश पूरी हो सकती है। खबर है कि इस फिल्म के लिए एक गाना शूट किया गया जिसमें बाबा रामदेव और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बात की गई। आपको बता दें, इस फिल्म को पहलाज निलानी निर्देशित कर रहे हैं और उनका कहना है कि फिल्म काफी अलग तरीके से शूट की जा रही है जो कि दर्शकों को काफी पसंद आएगी। गोविंदा आखिरी बार फिल्म आ गया हीरो में नजर आए थे जो कि उनकी कमबैक फिल्म थी, लेकिन लोगों को उतनी पसंद नहीं आई। गोविंदा एक के बाद एक कई फिल्में करके वापसी करना चाहते हैं पर ऐसा नहीं हो पा रहा। पहलाज ने यह कहा है कि इस फिल्म से दोबारा गोविंदा उसी रंग में वापस लौटेंगे और उनका पुनर्जन्म होगा। पहलाज निलानी और गोविंदा काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और सुपरहिट फिल्में भी साथ दे रहे हैं।